हेलो भैया तैयार हो जाओ बारात के लिए। कौन कौन तैयार है हाथ खड़ा करिए। चलिए भाई। हर 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 हरात गंगा की पुनीत धार। शंकर जी जो विवाह कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि विवाह में जो आप लोग ये उल्टा सीधा खर्च करते हैं ना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। विवाह में कम खर्च करो। सिंह संभवन करे सिंगारा, जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट बना दिया है और सर्पों का मोर बना दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भी जटा का मुकुट बनाओ जब विवाह हो आपके यहां, आप भी सर्प, ऐसा कुछ नहीं है। एक एक सादगी दिखाई जा रही है कि हरा 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 ऐसा दूल्हा पहली बार देखा होगा कि हरा 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 हरात गंगा की पुनीत धार। एक छंद है मेरा, महिमा आशुतोष महादेव की निराली है, चम 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 चमात चंद्रमा ललाट बीच कि नयनन विस्पान भांग भीगती सी लाली है। इतने नहीं है कि फन 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 फनात कंठ में फणींद्रयाच मस्तक कैलाश के विराजे मुंडमाली है। सबसे बढ़िया बात क्या है, लप 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 लपात रसना सर्प की प्रचंड कि नंगा की बरात में दिवाली ही दिवाली है कि हिमांचल नगरी। हिमांचल नगरी में आपको ले चलेंगे। सिंह संभुगन करें सिंगारा, वहां ब्यूटी पार्लर वाले भी बड़े अजीब हैं भाई। उनका तो सिंगार देख के लोग डर के मारे भाग खड़े हुए। वो ब्यूटी पार्लर वाले कहीं लखनऊ में ब्यूटी पार्लर खोल दें तो दो दो किलोमीटर तक रास्ता ही खाली हो जाए। सिंह संभुगन करें सिंगारा, अब शंकर जी के अगर सिंगार करें जटाओं में मुकुट और उसपे अहिमा मोटा सा सांप जो है उसको लपेट दिया फंदा फंदा फंदा। कहीं आप लपेट के ट्राई मत करना कभी। हाँ नहीं तो आजकल सोशल मीडिया पे सांप पकड़ने वाले भी बहुत दिखाई देते हैं, उनको देख के लोग नकल करते हैं जबकि वो चिल्लाते रहते हैं ऐसा भूल के आप कभी मत करिएगा। कंगन में भी मतलब सांप के मतलब अलग 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 डिजाइन है ना कदकाठी उनके अलग अलग, कोई छोटे हैं तो उनकी ड्यूटी कंगन में लगा दी गई और कोई थोड़े मोटे हैं तो उनकी कमर में लपेट दिया गया, कोई और थोड़े पतले हैं तो हाथ में लपेट दिया गया, ऐसे 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 ऐसे। सांपों की ड्यूटी मतलब कोई बेरोजगार नहीं है, छोटा बच्चा भी है वो भी ड्यूटी पे लगा है, मैंने कंगन में लिपटा हुआ है और छोटा है तो कान में ही लिपटा हुआ है। मुझे एक दृष्टांत याद आता है, एक हॉस्पिटल में एक आदमी भर्ती था, बहुत ज्यादा उम्र का था, नर्स और सब लगी थी, बड़े हॉस्पिटल में भर्ती था, पत्नी इधर खड़ी थी, दो बेटे इधर खड़े थे, लड़की भी खड़ी थी। वो बूढ़ा आदमी अपने बड़े वाले बेटे से बोला, ये हजरतगंज की 15 दुकानें तुझे दिया। डॉक्टर भी खड़े थे, बोले आदमी त्यार बहुत बड़ा दिखाई देता, हजरतगंज में 15 दुकान। तब तक वो अपने छोटे बेटे से बोला, गोमती नगर के 10 बंगले तुझे दिया। अपनी लड़की से बोला, इंदिरा नगर की 16 दुकानें तुझे दिया। अपनी पत्नी से बोला कि तुमको भी बांट के जाऊंगा, आसियाना के 8 बंगले तेरे नाम। नर्स बोली, बहन जी आपके पति जितना मालदार आदमी इस हॉस्पिटल में पहली बार आया। पत्नी बोली, मालदार का है कि ये दूध बेचने वाले हैं, सबको दूध बांटने की ड्यूटी दे रहे हैं, 15 बंगले वहां तू 16 दुकानों में वहां तू, इनकी थोड़ा है। ये तो दूध बेचने वाले हैं, दूध के व्यापारी हैं, इनकी ड्यूटी वहां लगा रहे हैं, उनकी वहां लगा रहे हैं, सोच रहे कहीं मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद तू भैया संभाल लेना, इनके थोड़े बंगले बुंगले। वही वाला हाल यहां भी कुछ मिलता जुलता है, सांपों की ड्यूटी अलग अलग बटी है, तू कंगन बनना तू कुंडल बनना, लिखा तो यही है। सिवह संभुगन करे सिंगारा, जटा मुकुट अहिमा और समारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूत पट के हर छाला, सस ललाट सुंदर सिर गंगा। आज
आजकल दूल्हा बड़े शान से बनता है और जितने जल्दी बनता है 24 घंटे के भीतर भीतर उतने बिगड़ भी जाता है। ब्यूटी पार्लर वाले हफ्ता भर पहले से आ जाते हैं लेकिन इतना गुटखा खा चुके हैं कि आधा इंच से ज्यादा मुंह नहीं खुलता। ब्यूटी पार्लर वाला कितना रगड़ा है, बड़ी समस्या है। अपने बच्चों को हरी सब्जी ज्यादा खिलाइए, अपने बच्चों को ऐसी चीजें बिल्कुल मत खिलाइए, अपने बच्चों को मैदा से दूर रखिए। आपको असली माँ तभी कहा जाएगा, आप अपने बच्चों को मोमोज खाने की आदत मत डालिए, आप अपने बच्चों को बर्गर पिज्जा खाने की आदत मत डालिए, आप अपने बच्चों को सलाद खिलाइए, आप अपने बच्चों को दही खिलाइए, आप अपने बच्चों को दूध पीने की आदत डालिए, आप अपने बच्चों को बादाम खाने की आदत डालिए, आप अपने बच्चों को 50 ग्राम गुड़ खाने के बाद खिलाइए, आप अपने बच्चों को मिट्टी में लोटाइए। कहां से आ गए ज्ञान देने, यहां शाहरुख खान मैगी का प्रचार कर रहे हैं, वो बेवकूफ है। हमारे मोमोज बेचने वाला है 1000 रुपए रोज, 1500 रुपए रोज कमाता है, लोग खाते नहीं है। तुम एक आदमी सब अपनी जमीन बेचे ले रहा था तो लोग मना किए, बोला चुप रहो तुम बेवकूफ, अगर बेचे ना होते तो चिनहट बसता कैसे, हजरतगंज बसता कैसे, अगर बेचे नहीं होते तो लखनऊ ही नहीं होता। अब इसके आगे क्या जवाब है, लोगों ने बेचा तो हजरतगंज बसा। प्रेमियों, ऐसी बरात, तब तक भगवान विष्णु आ गए, गरुड़ पर सवार होकर आ गए, गरुड़ के पंखों से वेद निकलता है, हरि ओम सहस्र शेर घा मुरुघा सहस्राघ्य सहस्रवाद सभूमि गो सर्वतोलम, वेद मंत्र निकलता है, श्री महात्मा गरुड़ जी पर सवार होकर भगवान श्री विष्णु आ गए। उन्होंने देखा कि इतने भयंकर भूत प्रेत बरात जहां जाएगी उस नगरी का क्या हाल होगा। भगवान विष्णु बोले, ये बताओ भोले बाबा, बारात तो बड़ी सुंदर है लेकिन आप क्या चाहते हैं, आपकी ससुराल में हम लोगों को शरबत पानी मिले कि ना मिले। अरे भोलेनाथ बोले, महाराज आपको जितने मिलेगा उतने शोभा मेरी बढ़ेगी। विष्णु भगवान बोले, लेकिन जो आपकी ये सुघर बारात है सुंदर वाली, ये अगर आगे आगे चलेगी तो केवल हम लोग भगाए जाएंगे, शरबत पानी तो दूर की बात है। यदि आप चाहते हैं कि बारातियों का सम्मान हो तो आप पीछे पीछे चलो, हम लोग आगे आगे चले। आजकल का दूल्हा होता तो बिगड़ खड़ा होता, हाँ 3 दिन से कार मेरी सजाई जा रही है, आगे आगे तुम चलोगे। आगे आगे भगवान का गरुड़ चला है, पीछे पीछे ब्रह्मदेव का हंस चला, कि हिमांचल नगरी रे, चलिए भाई ओ हिमांचल नगरी रे, हिमांचल नगरी कि चलवे ओ बाबा की बरतिया, चलवे भोला की बरतिया रे हिमांचल नगरी, चलवे भोला की बरतिया रे हिमांचल नगरी, चलवे भोला की बरतिया रे हिमांचल नगरी, चलवे भोला की बरतिया है। हिमांचल नगरी चल बे बाबा की बरतिया, वो चल बे भोला की बरतिया रे हिमांचल नगरी, चलो बाबा की बरतिया है हिमांचल नगरी, चल बे भोला की बरतिया।
थोड़ा सा समय रह गया है, आरती का समय धीरे धीरे हो रहा है, कुछ आवश्यक बातें आपको बता देते हैं। बारात चल पड़ी है। बारात माने गवाही होता है, आप बारात का मतलब तो जानते हैं। बारात माने हुड़दंग मचाने वाले नहीं, बारात माने गवाही। हाँ, इनकी शादी फला गांव में हुई थी, हम भी बारात गए थे, ऐसा कहने वाला जो मिले। क्या प्रमाण है कि आपका विवाह वहां हुआ था? सौ लोग जाते थे गवाही बनके, हम भी थे, इसलिए बारात जाते थे। अगवानी करने वालों ने सोचा कि भाई बारात तो हिमांचल महाराज के घर आ रही, बारात तो बड़ी सुंदर होगी। अब वास्तव में आगे वाली बारात तो बड़ी अद्भुत थी। भगवान विष्णु के कंठ में सुंदर कौस्तुभ मणि की माला, चम 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 चम, ब्रह्मा जी महाराज के गले में नाना प्रकार के सुगंधित फूलों की माला, रे बड़े सुंदर सुंदर देवता। आगे वाले बारात की दीर्घा में गांव वाले बोले, नगर वाले, भैया बारात तो बहुत आई लेकिन ऐसी बारात जिंदगी में पहली बार देखा। भगवान विष्णु बोले, हाँ पहली बार देखोगे भी जिंदगी में, ऐसी बारात नहीं देखी होगी, असली बारात पीछे है। वहां वाले सोचे कि भाई ये आगे वाले इतने अच्छे हैं तो पीछे वाले तो होंगे ही। बोले, हाँ महाराज, जब आप लोग इतने सुंदर लग रहे हैं, भगवान बोले ज्यादा देर की बात नहीं, सुंदर लगने ही वाले हैं अभी। पिछली बार जब पीछे वाली बारात आ गई तो गांव वाले बोले, अरे ये क्या हो गया, ये तो भगदड़ मच गई। कुछ लोग बोले, रुको रुको, बारात तो बारात होती है, अच्छी है या बुरी है, रुकना है, अपने को माला पहनाना है। बोले, भैया तुम्हें प्राण दांव पे लगाओ, आदमी रुकने को तैयार है लेकिन घोड़े भाग लिए। अच्छा एक बात बताओ, जो घोड़े हाथी की हिम्मत हार गई जिस बारात को देख के, तुलसी बाबा कहते, शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। मने आदमी तो थोड़ा कलेजा मजबूत करके रुके भी, लेकिन वाहन सब भाग लिए। घोड़े की लगाम बार बार खींची जाती लेकिन तो भगा तो घर की तरफ भगा। बोले, ऐसी बारात का स्वागत हम नहीं करेंगे। 100-200 बच्चे भी आए थे बारात देखने के लिए। कहीं कहीं बच्चे बहुत बड़ी शोभा बन जाते हैं, कहीं कहीं बच्चे बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करते हैं। बच्चे भी भगे, एक के ऊपर एक गिरे। घर पहुंचे, माताजी पूछी, बेटा बारात आ गई? बच्चे बोले, पहले फाटक बंद करो तो बताओ। मैं क्या फाटक बंद करें? अरे बेटा, ये कौन सी नई परंपरा लेके आ गए तुम? बारात आने के बाद तो फाटक खोल दिया जाता है। बच्चे बोले, वो दूसरी बारात है, ये फाटक बंद करने वाली बारात है। गड़ाम गड़ाम फाटक बंद होने लगे। भगवान विष्णु बोले, बाबा हम लोग आ गए थे तो भी बात बनी नहीं, देखो दरवाजे बंद हो गए, अब क्या करोगे? शंकर भगवान बोले, जब सब तुम पर छोड़ दिया फिर क्या बात। बच्चों से मां पूछने लगी, हाँ अब बोलो कैसी बारात आई है? बच्चे बोले, दूल्हा पागल हो गया है, हाँ बर बौरा बैल पे सवार है। माताएं बोली, तो उसके गांव में कोई परंपरा होगी, दूल्हा बैल पे चढ़ के आता होगा। अरे लड़के बोले, ये कौन सी परंपरा है? ब्याल कपाल विभूषण छारा, चिता की भस्म और सर्प लपेटे, ऐसा। महिलाएं बोली, बच्चे हैं समझ नहीं पाए, कुछ और देख लिए, चलो हम चल के देख के आते। कि धाई सब जुबती मिलके और चलो पार्वती बर देखी तो आई। ये अपने को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझती। कैसा है? अकाशी से जटावा के कानन कुंडल नाग 50 गले लपटाई, तो देख के रूप कुरूप भयंकर और ये भी भाग सखी अपने घर आई। और इन्होंने भी दरवाजा बंद कर लिया और दरवाजा बंद करके अंदर पता नहीं क्या मुनमुन मुनमुन करने लगी। वो मैं बता देता हूँ क्या कह रही थी, कि ज्ञान भुलान हिमांचल के जिनको बर खोजत लाज न आई। ज्ञान भुलान हिमांचल ने थोड़े बर खोजा था, अभी तो पकड़ा जाएगा बर खोजने वाला, वो भी इसी में है। द्वार पूजा का समय आ गया, बढ़िया चौक पूरी गई, सासू जी को भी भनक ही नहीं लगी दूल्हा कैसा है। सासू मैना मैया सुंदर सोने के थाल में आरती जलाए खड़ी हैं, आप बाजे गाजे बज रहे हैं, दूल्हा आकर के सामने खड़ा हो गया। मैना मैया पहचान ही नहीं पा रही है कि दूल्हा है क्या है, अब दूल्हे जैसा लगे तब तो पहचाने। वेद मंत्र का उच्चारण हो रहा है, मैना महारानी ने अपने
अपनी सखी से पूछा, ए दूल्हा कहाँ है? सखी बोली, वो मोटा अजगर लपेटे दूल्हे तो खड़ा है। ये दूल्हा है? इतना भयभीत हो गई कि वो थाली फेंक के मारा बड़े जोर से, वो खड़मड़ खड़मड़ थाली नीचे गिरी। शंकर भगवान बड़े जोर से हंसे, मैना मैया बोली, बेशरम कहीं का हंस रहा है। शंकर जी इसलिए हंसे, वो समझे कि यही द्वार पूजा है, कि सासू थाली फेंक के मारती, यही द्वार पूजा है। भोले बाबा इसीलिए तो कहा गया ना, वो मर्जी आती जो समझ लेते है ना। मैना मैया बिगड़ गई, नारद बाबा पकड़े गए, ये तुमने क्या किया? नारद बाबा बोले, जो मैंने किया बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये तुम्हारी पुत्री नहीं है, भगवान शंकर की पूर्वजनों की पत्नी है। सेवेश सती जो कीन, तही अपराध शंकर परिहरी की कथा सुनाई। सबका विषाद मिट गया भैया, वो तो होना ही था, विवाह की तैयारी होने लगी। शंकर भगवान के गण हल्ला मचाने लगे, ए भाई ये फेरे फेरे बाद में पड़ेंगे, हम भूखे हैं बड़ी देर से, रास्ते भर में कहीं कोई भोजन पानी का इंतजाम नहीं था। हिमांचल महाराज बोले, भोजन तो बहुत बना, इतना बना है कि हम सोच रहे हैं, चिंता लगी हुई है कि ये पूरा कैसे, ये खाएगा कौन। सुख सनीचर बोले, वो तुम चिंता मत करो, वो हमारी जिम्मेदारी है। एक से खाने वाले हैं। एक पंडित जी मथुरा में गए जजमान के घर भोजन करने, अपनी बहू से बोले, बिस्तर मेरा तैयार रखना, क्योंकि मैं खाने के बाद ज्यादा देर खड़ा नहीं रह पाता। खाने के बाद में महाराज जी आ रहे थे, काफी लंबा चौड़ा शरीर, खाने में दो चार गांव, दस गांव में उनका बड़ा नाम था, ऐसा कोई खाने वाला नहीं है। दो जजमान एक हाथ पकड़े, दो जजमान एक हाथ पकड़े, चारों जजमान बड़े मुश्किल से उनको लेके घसीटते चले आ रहे। बिस्तर लगाने के लिए बहू भूल गई थी, पंडित जी चिल्लाने लगे, तुम सब महामूर्ख हो, मेरा अनादर करते हो, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, बांके बिहारी के मंदिर में रहूंगा। बहू बोली, मैं कितने भूखे घर में आ गई, ये खाने का कोई तरीका है? सासू बोले, मेरे घर को भूखा कहा तो ठीक नहीं होगा, तेरे घर वाले कौन बहुत अच्छे हैं? बहू बोली, मैं अपने घर वालों के बारे में बता दूंगी तो दिमाग सन्न हो जाएगा, मेरे पिताजी भी भोजन करने जाते थे, मैं अपने पिताजी को भी देखी हूं, भोजन करने के बाद वो वहीं से चार आदमी के कंधे पर लद के आते थे, अभी पैदल चल के आ रहे। बड़ा भोजन बना है, काजू कतली, बादाम कतली, मठरी मगोड़ी, मजदूर बाग, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, मगोड़ी, भजोड़ी, मीठे चावल, नमकीन चावल के ढेर लगे, पापड़ पकौड़ी, गुजिया, रसमल, पूरा। चिंता ये हो रही है कि ये खाएगा कौन। भगवान शंकर के गढ़ बोले, भाई विवाह बाद में होगा, पहले हमको भोजन कराओ। शंकर भगवान के बराती अलग बिठाए गए, देवता अलग बिठाए गए, परोसने वाले परोस रहे हैं, सुंदर पान के पत्तल है, तरस जाओगे पत्तल में खाने को, वो विटामिन वो मिनरल्स होते पत्तल में। 6 महीने अगर आदमी खा ले, छोटी मोटी बीमारी उसकी ऐसे दूर हो जाएगी। पलाश के पत्तल पे जो गरम गरम सब्जी पहले पड़ती थी, हम लोग छोटे छोटे थे तो उस सब्जी में इतनी ऊर्जा आ जाती थी, और आजकल का ये जो सफेद सफेद पत्तल है, पता नहीं काहे का है भगवान, वो थर्माकोल कोई कहता है, कोई फेविकोल कहता है, कोई तारकोल कहता, पता नहीं, ये कोल कोल का जमाना आ गया। इन पत्तलों में कंटिन्यू गर्म भोजन कोई 6 महीने कर ले तो टीबी का मरीज जरूर हो जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। हरा हरा पत्तल, उसमें तमाम विटामिन मिनरल्स होते थे, तमाम उसमें तत्व पाए जाते थे। ये हमारे पूर्वज बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने हरे पत्ते का पत्तल बनाया था। पत्तल परोसने वाले ने एक के आगे रखा, दूसरे के आगे रखा, तीसरे के आगे रखा, चौथे के आगे खड़ा हो गया, सब्जी वाला पीछे लगा है, आगे बढ़ पत्तल परोस। हरे बोला, पत्तल परोसे तो इनके सामने, लेकिन किधर परोसे पत्तल? देख रहा है कि पत्तल किधर परोस है, क्योंकि मुंह तो कहीं दिखता नहीं है, और बैठे हैं ठूठ। हाँ, ऐसे बराती हैं इसमें, बड़े बड़े बलवान भयभीत होके भाग ले महाराज, भोले बाबा की मारी बरात देख के। गोस्वामी जी ने भी इसका इशारा किया, को मुख हीन, कोई बराती मुंह से हीन है। ये सब्जी वाला बोला, छोड़ इसको, आगे बढ़ तुम भी भाई, खाना पीना है नहीं, आके बीच में बैठ जाते हो, अब वो बोलता भी नहीं है।
आगे गया पत्तल वाला तो फिर खड़ा हो गया सब्जी वाला, बोला अब क्या समस्या आ गई? बोला कि अब इनके कितनी पत्तल परोसे, क्योंकि जिधर देखता हूं मुंह दिखाई दे रहा है। अरे को मुख ही न विपुल मुख काहू, कोई मुंह से ही ना, को पद कर को बहु पद बाहु, विपुल नयन अर नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तनखीना। हमारे शंकर भगवान के परिवार में मुंह ज्यादा, इतना किसी देवता के परिवार में मुंह ज्यादा नहीं है। अब सबसे बड़े झंझट की जड़ ये मुंह ही है। एक मुंह वाले दिन रात दौड़ते हैं, ओवर टाइम ड्यूटी करते हैं, 15-15 मंजिल पे डिस्टम्पर करता है, कोई 16-16 घंटा दुकाने पर बैठा रहता है मुंह के लिए खाली। ये मुंह सबसे बड़ा झंझट है भैया। एक एक महात्मा ने बड़ा मजाक किया कि क्यों नहीं मांगत भीखी फिरे इनके घर अन्न न एक अधेला, और जो मुख एक तो पूरो परे, अब इनके मुख ही मुख केर झमेला, शेष चढ़े सहसानन है और नीचे गोद गजानन, बेटा है वो हाथी के मुंह वाला, अब बैल तबेला चतुरानन बाप, पिताजी चार मुंह वाले और पचानन आप, और एक बेटा और हुआ है वो खडानन पूत, और एक चेला भी हुआ तो दसानन चेला। बोलो शंकर भगवान की, चार मुंह वाले पिताजी ब्रह्मा, पांच मुंह वाले खुद शंकर जी, छह मुंह वाला बेटा और 10 मुंह वाला चेला। अजीब परिवार है। गारी मधुर सुर देह सुंदरी बिंग बचन सुनावही, भोजन करें सुर अति विलंब विनोद सुन सच। ए भोजन वजन हो गया, द्वार पूजा हो गया भैया, अब विवाह होने जा रहा है। विवाह मंडप में श्री महादेव पधारे, ब्रह्मा जी महाराज आचार्य हैं, 108 पंडित और बैठे हैं, वेद मंत्र का उच्चारण। ए ब्रह्मा जी बोले आचार्यों से, आचार्य जी लोगों वेद मंत्र बोलो। आचार्य जी ने शुरू किया, हरि ओम मा आनो भद्रा क्रतवो यंत विस्वतो दवधा सो अपरिदास उद्भेदा। इतना कहा था तैसे एक घटना घट गई। शंकर जी के गले से जो सबसे मोटा वाला सांप था ना, उस सरसर सरसर नीचे उतरने लगा। अब जैसे 108 पंडित एक साथ वेद मंत्र बोल रहे, कितना गजब लगेगा है ना, और जैसे लप से सब बंद हो गए। अब भाई इधर है कोई सांप, भले पनिहा ही हो या धमिना ही हो, निकल ही आवे तो उसकी जाति पहचानने में आप लोग लगेंगे कि भगदड़ मच जाएगी। उस समय कोई देखेगा कि ये इसके कितना जहर है कि नहीं है। एक महात्मा ने बहुत मजेदार छंद लिख दिया इसे कि बेदी पे बैठे महादेव शंकर, इतना तो अच्छा लगा, बोलो गौरा की भावरी कौन करावे, ए नागन की फुफकार निसो वो तो नाउन भागी नगी चे नयावे। नाउन तो भगी, नाउन भगी है तो कोई बात नहीं, वो तो लेकिन पंडित के तन कांपन लाग, कहो गठबंधन कौन करावे। हे ब्रह्मा जी बोले, बोले वेद उच्चारण शुरू करो, सवेरे 1100 सरफी मिलेगी। पंडित जी बोले वो सब तुम लेना माई बाप, हमारे तो प्राण छोड़ दिया, सरफी फसरफी नहीं चाहिए, बस केवल एक चीज, आज भुजंगन से बच जाओ तो लाखन के न्योछावरी पावे। किसी तरह से माहौल फिर सही हो गया। अरे पानी ग्रहण जब की महेशा, 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 हियर से तब सकल सुरेशा, ये हर से सब सकल सुरेशा, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, पानी ग्रहण जब कीन।
पावन ग्रहण जब महेशा जब की महेशा जब की महेशा पावन ग्रहण जब पाणि ग्रहण जब कीन महेशा। पाणि ग्रहण हुआ, संस्कार हुआ, विवाह समस्त देवताओं की लौकिक वैदिक रीति के साथ में पूजन के साथ में विवाह संपन्न हो रहा है। ओ भावरी हो गई भैया, बोलो दूल्हा सरकार की जय हो। माननीय निर्मल शास्त्री जी 2 मिनट संबोधित करेंगे, उसके बाद आरती होगी। और मैं उसके पहले एक बात बता देता हूँ, विवाह में एक बहुत जरूरी चीज होती है साखोच्चार, शाखा का उच्चार। उनके पिता कौन, उनके पिता कौन, उनके पिता, कई पीढ़ी का नाम पूछा जाता है। आजकल तो 2-3 पीढ़ी का हर कोई जानता, आगे का कोई नहीं जानता। धीरे धीरे अगर 2 कभी नहीं जानेंगे लोग, अपना ही नाम नहीं जानेंगे। जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर आज तक हमसे हमारी न मुलाकात हुई। ये प्रॉब्लम समाज में बहुत तगड़ी चल रही है। एक पंडित बोला शंकर जी से, आपका नाम क्या है? शंकर जी बोले, मेरा नाम शंकर, साखोच्चार होने जा रहा है। दूसरा पंडित बोला, आपके पिता कौन? शंकर जी बोले, बैठे ब्रह्मा। अच्छा, धियानग्रहिमाणो श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद में ना, भ्रोर मध्यात प्रजापते सद्यो जाये तन्मन्यु कुमारो नीलोहिता। तृतीय स्कंद में सृष्टिक्रम वर्णन श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन है, वो मैं उधर नहीं जाना चाहता। कुमारो नीलोहित रुद्र के प्राकट्य के समय ऐसा वर्णन आया है। एक पंडित जी बोले, ब्रह्मा के पिता कौन? शंकर भगवान बोले, तुम जितना पिता पूछे उतना और कुछ नहीं, इतने पिता का क्या करोगे? पंडित जी बोले, साखोच्चार होना है, ब्रह्मा के पिता कौन? शंकर जी बोले, ब्रह्मा के पिता विष्णु। एक पंडित जी बोले, उनके पिता कौन? शंकर जी बोले, उनके पिता हम। बड़ी देर से पिता 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 लगा रखा है, नारद जी ने देखा माहौल गड़बड़ा रहा है। नारद जी बोले, पिता उता मत पूछो, तुम तो साखोच्चार पढ़ो। पंडित जी बोले, बड़ी गजब बात, बीरा वाले बाबा, बिना पिता के नाम के साखोच्चार होगा कैसे? बोले, बिना नाम के पढ़ो, किसी तरह विवाह होने दो। नाम तो संसार के लोगों के लिए, ये तो बेनाम है, ये सबके पिता है। सही कह रहे। साखोच्चार आदि हुआ, विवाह संपन्न हुआ, दान दक्षिणा दी गई। आज दूसरा दिन है, कल भगवान श्री राम का जन्मोत्सव होगा कथा में।